बनाने वाले हैं नकली पास्ता। गुथे हुए आटे का नाश्ता। इसके लिए इतनी मोटी लोई रहेगी, ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहे। अब देखिए इतना, अब ऐसे कोई ढक्कन रहे जिससे कट कर लें। बाकी का आटा फिर से यूज हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे, देखिए इस तरह से। बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें पानी, नमक और कोई भी तेल ऐड मिला देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। हमारे आटे खरे बनकर तैयार हो गए हैं, देखिए बड़े बड़े भी हो गए हैं। अब इसको हम गैस को बंद करके खरों को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें पानी नहीं रहना। देखिए हमारे फरे, हमारी सब्जियां कट गई हैं। इसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर, शिमला मिर्च बड़ी बड़ी कटी है और प्याज। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डालेंगे। हमने सरसों का तेल लिया, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक डालेंगे, बहुत महीन महीन कटा है। इसको ज़्यादा पकने नहीं देना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, सूखी धनिया की हुई, नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आटे में भी है। आप अपने मनपसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं, चाहे पास्ता मसाला, मैगी मसाला, मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब इसमें हम प्याज और शिमला अब इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। एक बॉईल आने तक इसको पकने देते हैं। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। फ्लेम को धीमा कर देंगे, हमारे फरे इसमें डाल देंगे। थोड़ा तेज आंच कर देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार।